हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने सुरेश चंदेल के कांग्रेस में आने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रामलाल ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कहते हैं कि सुरेश चंदेल के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ये समझ लें कि सुरेश चंदेल भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं और उनके कांग्रेस में आने से अब कांग्रेस को फायदा होने वाला है। उन्होंने कहा कि भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, सुरेश चंदेल कांग्रेस में आए हैं और किन परिस्थितियों में कांग्रेस में आए हैं ये साफ बयां करता है। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष के जो पुराने भाजपा नेताओं का हाल है उसे देखकर ये प्रतीत होता है कि क्यों लोग कांग्रेस की ओर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर को पहले मुरली मनोहर जोशी द्वारा वरिष्ठ नेता लाल किशन आडवाणी को लिखे पत्र को पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई बयानबाजी करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि सुरेश चंदेल अगर कांग्रेस पार्टी में आ गया तो उनको उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सुरेश चंदेल 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं और सुरेश चंदेल भी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। आज वो किन परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी में आए हैं ये मैं कहूँगा कि भारतवर्ष के जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता है मुरली मनोहर जोशी, जो इन्होंने आडवाणी को पत्र लिखा है, उस पत्र को कृपया करके जयराम जी पढ़ लें और उसके बाद जो है वो बयानबाजी करें। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने अपने पूर्व साथी और 3 बार सांसद रहे सुरेश चंदेल के कांग्रेस में जाने पर शिष्टाचार के नाते उन्हें शुभकामनाएं तो दी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने चंदेल पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारी लड़ाई विचारधारा के विरुद्ध है और चंदेल जिस विचारधारा के विरुद्ध लड़ते रहे हैं अब वे उसी विचारधारा के समर्थन में खड़े हो गए हैं। उन्होंने बावजूद इसके अनुराग ठाकुर की जीत का दावा करते हुए चंदेल के जाने का कोई फर्क ना होने की बात कही। सत्ती ने सुरेश चंदेल द्वारा बीजेपी में मान सम्मान नहीं मिलने के उनके दावे पर तीखा प्रहार भी किया और उन्हें और उनके परिवार को बीजेपी में मिले औहदों का जिक्र किया। बीजेपी अध्यक्ष ने चंदेल को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो केंद्र में एग्रीकल्चर संस्थान में निदेशक थे, बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, जबकि उनके बेटे बीजेपी युवा मोर्चा में अहम औहदों पर हैं और दूसरा बेटा 5 महत्वपूर्ण देश ब्रिक में बतौर लीगल एडवाइजर हैं। इन पदों का हवाला देते हुए सत्ती ने चंदेल को अपना मित्र बताते हुए कहा कि इससे ज्यादा उन्हें और कुछ नहीं कहना है। वहीं सत्ती ने खुद पर लगे प्रतिबंध के बारे में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं पर तीखे प्रहार किए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बाद इस बार उनके निशाने पर कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता नवजोत सिंह सिद्धू थे। उन्होंने सिद्धू पर हमला बोलते हुए अपने और सिद्धू पर लगे प्रतिबंध में अंतर बताया। सत्ती ने नवजोत सिंह सिद्धू पर चुनाव आयोग के प्रतिबंध का आधार देशद्रोही बातों और भाषण को बताया और हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष ने सिद्धू और कांग्रेस नेताओं के भाषण को राष्ट्र विरोधी होने का दावा किया। सिद्धू के ऊपर लगते रहते हैं, अभी भी लगा 72 घंटे का, वो कई कुछ बोल रहे हैं। हमने कुछ देशद्रोह के बड़ा बात तो नहीं की थी, वो तो देशद्रोही बातें करते हैं। कांग्रेस के लोगों के ऊपर जो लग रहे हैं वो देशद्रोही बातें करने के कारण लग रहे हैं, देश को तोड़ने की बातों के कारण लग रहे हैं। जो वो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल ही अराष्ट्रीय बातें हैं, तो इसलिए जैसा भी इसमें लक्ष्य कमीशन निर्णय ले वो सबको सम्मानीय होता है। लक्ष्य कमीशन को मानना जो हम सब का फर्ज बनता है। सोलन नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों ने हल्ला बोल दिया है और नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ये सभी सफाई कर्मी सोलन में चलाई जा रही डोर टू डोर कूड़ा एकत्रित करने वाले कर्मी हैं।
ये सभी कर्मी सुबह सुबह सोलन के वार्डों में जाकर घरों से कूड़ा एकत्रित करते हैं। नगर परिषद से योजना के तहत इन्हें करीबन 8000 रुपए मेहनताना भी मिलना चाहिए। कर्मियों का आरोप है कि नगर परिषद के अधिकारी काम के नाम पर उनका शोषण कर रहे हैं और कई घंटों तक उनसे सफाई का काम करवाया जाता है। सफाई कर्मियों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि नगर परिषद ने उन्हें घर घर जाकर कूड़ा एकत्रित करने का जिम्मा दिया है, लेकिन अब वे उनसे इस कार्य के अलावा शहर की सफाई का काम भी करवा रहे हैं, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि उनकी ड्यूटी का समय 8 घंटे है, लेकिन उनसे 16 घंटे काम लिया जा रहा है। ऊपर से अधिकारी उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं, इसलिए वे अब केवल 8 घंटे ही काम करेंगे और किसी भी तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और केवल डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए रखा गया है, तो वे काम भी यही करेंगे। अगर उनकी बातें नहीं मानी जाती हैं, तो आंदोलन उग्र करने पर वे मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी नगर परिषद सोलन की होगी।